आम सांगे वर्तमान अछंती तनुज अपा जे हमकू कहले आज माछर गोटे बढे आइटम टे बनेबे आ गया कोन बनेबे आइटम टी माछ अंतर चढ़ जे किन माछ अंतर को त हम फपड़ दो किन माछ अंतर हम देखे छु अपन को मानु छु किंतु एत्ते बाट कोन आछु माछ अंतर था एटा फपड़ा जाय जे मु किंतु से भाकुड़ माछर अंतर को रांधी के देबी एटा भाकुड़ माछर अंतर से भाकुड़ माछडी बोला आनि थाते चलिबो तनुज अपा हमरा आज बनेबे पई जाउछंती माछ अंतर चटचड़ी आ गया भाकुड़ माछर अंतर बालेश्वर माछ पई बहुत बेसी फेमस माछर को व्यवहार करी अनेक प्रकार आइटम बना जाए रेसिपीज बहुत गुड़े ये अच्छी ता भितर ये आगे अन्यतम हाँ जाऊँ कहीं आम एम गोटे आइटम टी के ट्राए करूँ माछ अंतर चोड़चुड़ी देखा कमी कौन बनाऊँ कौन कौन रखें आप अंतर सांगर कटा पिज पड़ी आटा आलु हलदी गुंड लुण देखिए गुले फेटा रही कटा लंका कटा टमाटो मसला सोरस जीरा रसुण अच्छा अपा याद तो बढ़िया पास नहीं डस्ट ये गल देखिए संतुला है गलानी अज्ञा अब प्लेट को बाहर करियो ठीक अच्छे माछ अंत चटचड़ी पई प्रथम तो अंत को भलो भाव रे इठी अपा हमरो संतुलि देले वर्तमान कोन करबा कंचा लका पकेबा या परे मसला पेस्ट गोले देवे अच्छा आप तो मसला को भल भाव कसी दे बर्तमान कौन करवा हलदी गुंड दबा हलदी गुंड लंका गुंड लुण टे कटा टमाटो भलिकाटे मसला है गला अच्छा अंतटा पकेबा जो संतुला अछि संतुला ठीक अछि अच्छा ताको त हम भलो भाबे पके देलु गोले भी देलु ये आउ केते समय कोन लागिवो आउ 3 मिनिट भीतर हेजो 2-3 मिनिट 2-3 मिनिट भीतर हेजो वाह अपेक्षा आ गयो बस जेंते कहले अपा हमर 2-3 मिनिट र तपर देखिवा हमर अंत चटचड़ी केमते लागिवो वाह ये है गला नी हाँ है गला वर्तमान क्या करेगा गरम मसाला डे पके वो मैं भी माछा वंता चटचटी है गला मैं दो उसे टेस्ट करियो ठीक है ठीक है माछा वंता चटचटी सब हम खाई के टेस्ट करूँ बासना डे क्या भारी बढ़िया है जी बहुत बढ़िया बासना डे आज ची तो टे खाई दवा संग संग वाह स्वाद टिके पित्ता आ गया कहीं ना जेहेतु एटा अंत माछ चर्बी टिके पित्ता लगे किंतु जो प्याज और आलू टी आधर कोरी के पके दिले ता द्वारा स्वीटनेस टे पड़े आस सुंदर ही आ गया भारी बढ़िया लगती टिके लंका अधिक है आउ टिके बेसी बढ़िया लगे लंका पड़ी आज कंचा लंका किंतु कंचा लंका टिके राग कम लगुच माछ खाइप पसंद करुवा लोक माछ अंतु को बा केमती ना कहे माछ अंतु को आनी आपड़ जब एमती चटचड़ी बनेबे
ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମଜା ଆସିଯିବ। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଅନ୍ତରେ କଟା ଆଳୁ ଓ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ରଖନ୍ତୁ। କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଆଳୁ ପିଆଜ ଗୋଳା ମାଛ ଅନ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଜିରା ବଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ କଷନ୍ତୁ। ମସଲା କଷି ହେବା ପରେ ମାଛ ଅନ୍ତ ଫ୍ରାଏକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ମାଛ ଅନ୍ତ ଚଡ଼ଚଡ଼ି।